ये जो माइंड है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए जैसे मैंने बताया स्ट्रेस इज वन फैक्टर बट दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। अमेरिका वगैरह में दूसरे कहने 25% कहते हैं, लेकिन आई फील दैट स्ट्रेस इज पॉसिबली ओनली फैक्टर, क्योंकि लोगों को पता है कि सेहत अच्छी। मैं पूछता हूँ कई मरीज हैं कि आपको पता है सैर करने अच्छा कहते हैं, हाँ अच्छा अच्छा है, हमें पता है कि अच्छा है, उठते भी हैं सुबह, लेकिन हमारा मन जो है माइंड कहता है कि आज मत करो, आपको आप लेट सोए हो, बारिश होने को एक्सक्यूज बना देते हैं। अगर पार्टी में जाते हैं तो हमें पता है ये चीज़ खराब है, ये नहीं खानी चाहिए, मन कहता है आज खा लो कल मत खाओ, ये दिस इज दी ऑल वीकनेस ऑफ द माइंड। और हमने देखा योग से ये माइंड स्ट्रांग होता है, माइंड स्ट्रांग हो तो आप वही करेंगे जो आपका माइंड डिसाइड, आप सुबह उठेंगे माइंड आपका कहेगा कि मत करिए फिर भी आप करेंगे, क्योंकि आप यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। मैं बताया माइंड इज नॉट ओनली द बॉडी उसके ऊपर माइंड है, जिससे थॉट्स का द माइंड के ऊपर कॉन्शियसनेस, लिव इन कॉन्शियसनेस, यू आर द मास्टर, वी आर ऑल कॉन्शियसनेस, हम सब स्पिरिट्स हैं, जैसे हम मास्टर हो तो माइंड को हम ऑर्डर कर सकते हैं, यू शट अप यू ओवर। तो हमने ये देखा है कि ये जो रेगुलरिटी है वो योग करने से बढ़ा है, क्योंकि माइंड स्ट्रॉन्ग होता है। नॉलेजेबल पीपल हैं, देखिए लोगों को कितने एजुकेशन हो गई है, सबको पता है कि कौन सा अच्छा खाना है, सैर करनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन बीमारी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि माइंड अभी भी वीक रह गया, उनको पता है ये चीज़ खराब है फिर भी करना है। ये हमें सुन के बहुत हैरानी होती है, क्योंकि पिछले 20-40 साल से मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, इतनी अवेयरनेस बढ़ गई है, लोगों को पता है क्या अच्छा है क्या बढ़ा, लेकिन बीमारी बढ़ती जा रही है। इसलिए माइंड स्ट्रॉन्ग करना बहुत स्ट्रॉन्ग, इसीलिए हम योग के ऊपर कह रहे हैं, और ये हमने प्रेजेंट किया पेपर ऑल ओवर, पीपल एक्सेप्टिंग कि योग को मिलाना चाहिए हमारे मॉडर्न सिस्टम में, तभी ये बीमारी को अलाइव कर सकते हैं। इन द यूजुअल सिस्टम, देखिए इंटीग्रेटिव सिस्टम, आपने इंटीग्रेटिव का मतलब बेस्ट ऑफ द मॉडर्न मेडिसिन, जो मॉडर्न मेडिसिन जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ उसके बहुत फायदे हैं। एक तो डायग्नोसिस कर सकते हैं, किसी को छाती में दर्द है तो ओवर मेडिसिन कैन टेल अस कि ये हार्ट अटैक है या मस्कुलर पेन है। दूसरा एमरजेंसीज में मॉडर्न मेडिसिन वेरी गुड। थर्डली देर आर सो मेनी मेडिसिन विच आर ऑल्सो वेरी गुड, लेकिन सिर्फ मेडिसिन काफ़ी नहीं है, उसके साथ साथ आपको मेडिटेशन योग को मिलाना है, क्योंकि जब तक जो प्रॉब्लम है उसको कंट्रोलिंग प्रॉब्लम का माइंड के अंदर तो रूट कॉज को जब तक ठीक नहीं करेंगे तुम्हारी ठीक नहीं होगी। तो इसलिए कंबाइनिंग दी मेडिसिन, जैसे मैंने बताया हमने जब रिवर्सल किया सारी मेडिसिन उनको दे रहे थे जो हमें पता है हार्ट के लिए, उसके साथ हमें योग मिलाया उनको रिवर्सल, जिनको योग नहीं मिलाया रिवर्सल नहीं हुआ। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस्ट एंशिएंट सिस्टम विद द मॉडर्न सिस्टम इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड। अभी अच्छा है कि शुरू हो गया है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में भी शुरू हो गया है डिपार्टमेंट इंटीग्रेटिव मेडिसिन, इसमें बेस्ट ऑफ बोथ दी थिंग्स। तो ये चीज़ें अब कंबाइन होकर तभी सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम। पिछले 40 साल से सिर्फ मेडिसिन पर डिपेंड होकर बीमारी को कंट्रोल नहीं की, बीमारी बढ़ गई, अगर आप योग करेंगे तो बीमारी कम होगी। उसके साथ साथ मेडिसिन है बड़ी अच्छी, हम ऐसे कार्डियोलॉजी में ये नहीं कैसे मेडिसिन बनाते हैं, स्टैटिन्स हैं, मीटा बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिससे हार्ट डिजीज कम हो जाती है, लेकिन सिर्फ वो काफ़ी नहीं है, उसके साथ साथ हमें मेडिटेशन और योग और ध्यान को भी ऐड करना। हमने शो किया ना इतने एक्सपेरिमेंट्स, हमने आपको बताया हजारों 10,000 पेपर्स ना शो दैन if you combine them, then it's much more successful in controlling these dangerous lifestyle diseases. Is it true that deficiency of vitamin B leads to depression? And agar aapko mai lena to usko powder form mein externally lena, these are two questions I have. Haan, vitamin D ki bahut badi thing. I think it's a big scam. Everybody has vitamin D deficiency. In the league and the rest of the 90% of the people have vitamin D deficiency. Uske upar bhi काफ़ी हो रहा है कि हुआ कि ये लेवल्स जो हैं ठीक नहीं है, लेकिन ये ठीक है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी में आपकी बोन्स वीक हो सकती हैं, सम एविडेंस की हाई ब्लड प्रेशर उससे डिप्रेशन हो सकता है, तो अगर आपने विटामिन डी कराइए कम है तो उसके लिए दवाई लेंगे, उसके बड़ा सिंपल है पाउडर या कैप्सूल या व्हाटएवर, वो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन गैस से डिजीज अभी उनको हार्ट डिजीज में कम होती है, लेकिन अगर इसको हम रिप्लेस करते हैं हार्ट डिजीज कम नहीं होती। इट इज नॉट प्रूवन एज येट, बट इट इज श्योरली फॉर बोन्स एट सेटरा इज गुड, बॉडी
DX के लिए कहीं कोई अच्छी न्यूज़ है. सो इफ इट इज डेफिशिएंट यू शुड टेक इट, नॉट अदरवाइज. सो वी कैन आल्सो गेट विटामिन डी फ्रॉम सनलाइट आल्सो. यस, इफ यू सनलाइट में अगर आधा घंटा 20 मिनट बैठ सकते हो तो फिर जरूरत नहीं है मोर देन 2000 यूनिट्स. सुबह का सनलाइट, सुबह का दोपहर का होता है डिपेंडिंग अपॉन अबाउट बिटवीन 12 to 2. उस वक्त अगर आधा घंटा 20 मिनट भी बैठ जाए विद द शोल्डर्स के ऊपर अगर एक्सपोज होते हैं. लेकिन इंडियंस इवन गल्फ कंट्री लाइक दी धूप है वहाँ पर भी डेफिशिएंसी बहुत है 67. तो खाली जस्ट सन इज नॉट गुड एनफ इट हैज टू बी एट दिस पार्ट. इंडिया वाज अ कंट्री वेयर पीपल यूज्ड टू वर्क इन द फील्ड्स एटसेट्रा. सो देयर अपर पार्ट वाज नॉट कवर्ड, दे यूज्ड टू स्वेट अ लॉट, सो देयर वाज नो विटामिन डी. अब सभी कवर्ड रहे, स्पेशली वॉक कर रहे हैं पैर को लोगों को मिल्क कंज्यूम नहीं करता क्योंकि जो काउज मिल्क है या बफेलो उसके अंदर लैक्टोज होता है विच वी कैनॉट डाइजेस्ट. तो वो हेरिडिटरी होता है, कई बच्चे भी नहीं ले सकते. बच्चों को अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस है उनको कहा जाता है डोंट गिव एनी मिल्क प्रोडक्ट्स. तो उसके लिए भी सोया मिल्क बहुत अच्छा है, इट्स अ गुड सब्स्टिट्यूट. सोया मिल्क के अंदर इतनी अच्छी चीज़ें हैं क्योंकि सोया मिल्क कैन रिड्यूस दी इवन कोलेस्ट्रॉल एटसेट्रा. सो सोया मिल्क इज अ गुड सब्स्टिट्यूट. कई लोगों को पार्शल, जो इंडियंस हैं 80% लोगों को पार्शल लैक्टोज इंटॉलरेंस है, इसीलिए हमने यहाँ पर काफ़ी देर के लिए सोया मिल्क दिया. हमने देखा कि जो पार्शियल लैक्टोज में क्या होता है, गैस जो बनती है इंडियंस के अंदर, गैस बन सकते हैं आलू के कारण. हमने देखा ये मिल्क के कारण या पार्शियली सेंसिटिविटी. ये स्टडी हुई थी अमेरिका में या इंडियन सेटल्ड है उनको 80% पीपल हैव दिस पार्शियल. तो अगर पेट की आपको ज़्यादा गैस वगैरह होती है तो मिल्क बंद करके देखिए, हम देखेंगे काफ़ी हद तक ये ठीक हो जाएगी. पार्शियल लैक्टोज इंटॉलरेंस भी है, इसका इलाज तो कोई खास नहीं है, हमें उसको अवॉइड ही करना है. लोगों ने डीसेंसिटाइजेशन किया थोड़ा थोड़ा करके कंटिन्यू, लेकिन दैट्स नॉट वेरी सक्सेसफुल. इफ यू आर सेंसिटिव टू दैट, जैसे कहीं आपको नट एलर्जी है और लोगों को एलर्जी है, वो चीज़ अवॉइड करें तो अच्छा. सर एक्चुअली मैं आपको शायद पहले बताया था सर आपके लिए, सर इंडिया में अब जल्दी एक एक लैक्टोज फ्री मिल्क आता है. सोया मिल्क एनीथिंग एल्स लास्ट अमेरिका की, यूरोप की, इंडिया की है, नो फैट मिल्क. नो फैट का मतलब उससे मलाई निकाल के एंड इट्स प्रोडक्ट्स. कर्ड इज वेरी गुड, इवन देयर इज ए फूड पेपर, इवन बटर मे नॉट बी दैट बैड. अगर आपने वो जो बटर घर घर में बनाते हैं सफ़ेद रंग का बटर, कोलेस्ट्रॉल इज नॉट वन प्रॉब्लम. दूसरा बटर प्रॉब्लम हो सकता है, तो यू कैन ईट मिल्क प्रोडक्ट्स इन मॉडरेशन, दिस इज ऑल एडवाइस. कर्ड तो लेते हैं, बिल्कुल कर्ड तो बहुत ही अच्छी बात है. जहाँ हम आए थे यहाँ तो कर्ड नहीं भी फूड, यहाँ जो है वो नहीं होता, बट दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू अबाउट द साइंटिफिक थिंग्स. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? इज देयर नथिंग? आई थिंक आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. Friends, right. Dr. Manchanda has many firsts to his credit. All India Institute से निकलने वाले जो medical professionals थे, तो ये उस पीढ़ी के हैं जो first batches जो DMship के aims से pass out हुए, तो डॉक्टर साहब उस पीढ़ी के हैं. उसके बाद सारा जीवन आपने कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में, उसके कार्डियोलॉजी के हेड रहे, सरकार ने आपको पद्मश्री अवार्ड किया, 3 प्राइम मिनिस्टर्स के आप कंसल्टेंट रहे, ये अपने आप में एक फर्स्ट है. एक दूसरा फर्स्ट और है कि शायद भारत के ये पहले इतने सीनियर डॉक्टर होंगे
जिन्होंने इस चीज को नोटिस किया और उस चीज को अपने अपने आप को डेडिकेट किया कि मेडिसिन इज नॉट द लास्ट वर्ड, मेडिसिन देनी पड़ेगी, जरूरी है, जहां सर्जिकल इंटरवेंशन जरूरत थी वो भी किया जाएगा, सर्जरी भी की जाएंगी, सर्जिकल स्ट्राइक किया जाएगा, लेकिन रास्ता हमें भीतर से ही अगर मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है। फॉर गुड 30 years ही हैज बीन वर्किंग ऑन दैट। डॉक्टर साहब के पास पेशेंट्स की इतनी लंबी लाइन रहती है, चाहे गंगा राम में हो, चाहे घर पर प्राइवेट क्लिनिक में देख रहे हों, उसके बावजूद शायद ही कोई ऐसा कैंप होगा जिसमें डॉक्टर साहब यहाँ आकर के और पार्टिसिपेंट्स को एड्रेस ना करते हों, उनको सेंसिटाइज नहीं करते हों, ये बताने के लिए कि यू मस्ट चेंज योर लाइफ स्टाइल, यू मस्ट इम्प्रूव अपॉन योर फूड हैबिट्स, एज ऑल्सो यू विल हैव टू गो डीपर एंड डीपर इन टू योर मेडिटेशनल पार्ट ऑफ इट। And he has been doing that by going all over the country, all over the world. तब शिकागो के अंदर भी आप जो इंटरनेशनल हार्ट स्पेशलिस्ट की कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पे आपने पेपर प्रेजेंट किया, अपनी स्टडीज प्रेजेंट की। हमारे पास तो खैर सैकड़ों ऐसे पेशेंट्स हैं, हर कैंप के अंदर डॉक्टर साहब के भेजे हुए कैंप के तो उसके पेशेंट्स के बैठ तो कैंप पूरा हो ही नहीं पाता है कि वहाँ तो वो हमसे पूछता है कि साहब आप हार्ट को करते हैं क्या, तो हम कह रहे हैं कि साहब पूछने की बात ही नहीं है, उस तो मैं से तो हमारी बात ही शुरुआत हुई है। एक्चुअली इट ऑल स्टार्टेड विद डॉक्टर साहब ओनली अर्ली 90 के अंदर की साहब ने रिजल्ट देने शुरू किए कि लोगों को हेल्थ बेनिफिट हो रहा है। डी आर्मिश इंडिया में आए हुए थे, डॉक्टर साहब काटो जी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, एम्स में उनका लेक्चर था, वहाँ से ये बात शुरू हुई और तब ये हुआ कि यहाँ साधना केंद्र में भी उसका प्रयोग करके देखा जाना चाहिए। और फिर हमने जो रिवर्सल के केसेस की स्टडी डॉक्टर साहब ने पब्लिश करनी शुरू की कि देखिए ऐसे ऐसे बेनिफिट हुआ। मैं आपको ये रिपीट करके कह दूँ कि 7 दिन के अंदर हम हार्ट रिवर्सल करके भेजने वाले नहीं हैं। 7 दिन में हमने आपको केवल 3 बातों का प्रॉमिस किया है। हम आपको उसकी साइंस बताएंगे, अजय जी से भी आप साइंस सुन रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ। हम आपको उसकी ट्रेनिंग देंगे कि आपको कैसे करना है और हम आपको उसका डेमो देंगे कि देखिए यू आर फीलिंग बेटर। आप जब हम डायबिटिक पेशेंट है उसके केस में तो एक मेजरमेंट भी आ जाता है, कार्डियक पेशेंट के अंदर मेजरमेंट नहीं आ पाएगा बट यू स्टिल स्टार्ट फीलिंग बेटर अबाउट इट। तो ये हम आपको डेमो देंगे और वो करने के बाद सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों लोगों ने उसका फायदा उठाया है। डॉक्टर साहब 40,000 पेशेंट हो गए अब तक। हाँ आई मीन काउंटलेस, आप सोचिए कि एम्स में रहे होंगे 200, मैंने बहुत गलत फिगर कह दिया, 150-200 से पेशेंट एम्स में रहते हुए कभी एक दिन में कम देखना नहीं, साल में 350 दिन देखें तो भी 70,000 एक साल में पेशेंट हो जाते हैं, लाखों पेशेंट आपने देखे हैं। इस एक डिस्टिंक्शन के साथ कि बहुत बड़े बड़े अपने फील्ड के अंदर महारथी हैं और वो इस बात के लिए फेमस हैं कि मैंने इतनी सर्जरीज की, इतने स्टेंट लगा दिए, इतने बाईपास करवा दिए। डॉक्टर साहब इस बात के लिए फेमस हैं कि कितनी सर्जरीज बचा दी, कितने स्टेंट बचा दिए, यही आपकी सबसे बड़ी खूबी है। तो जो डॉक्टर साहब ने आपसे कहा आप इसके इस साइंस को गहराई से समझें और उसके मुताबिक चलते रहें, डॉक्टर साहब की गाइडेंस के अंदर ही हम लोग इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को डिजाइन करके हमारी सारी कोशिश ये चल रही है कि कैसे सिंपल से सिंपल तरीके से आपके पास इस बात को पहुंचा दें। आपने सर डॉक्टर साहब बहुत लोगों ने एक प्रश्न किया कि साहब आपने तो यहाँ, और ये हर कैंप के अंदर बहुत लोग प्रश्न करते हैं, ये कोई हमारे लिए नया प्रश्न नहीं है कि साहब ये आपने यहाँ तो बता दिया, यहाँ तो कर लिया, लेकिन हम घर जा करके इसको कर पाएंगे क्या। और डॉक्टर साहब मैं उनको हर बात यही जवाब देता हूँ कि सबसे पहला काम है हमारा अवेयरनेस का। आपको पहले अवेयरनेस ही नहीं थी तो जब कहीं ना कहीं अवेयरनेस आ जाती है तो एट द बैक ऑफ योर माइंड कंटिन्यूसली ये चीज रहता है कि मुझे ये खाना है, ये नहीं खाना, ये करना है, ये नहीं करना, ये लाइफस्टाइल में चेंज करना है। एटलीस्ट यू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग एंड आवर एक्सपीरियंस टेल्स दैट वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एबल टू फॉलो इट टू डिफरेंट एक्सटेंट्स एंड देयर आर वेरी गुड नंबर ऑफ पीपल हु हैव बीन एबल टू सक्सेसफुली डू इट। और हम आपको जो कैप्सूल फाइनली देने वाले हैं वो कैप्सूल ऐसा होगा जिसको आप लाइफ में बड़े आराम से इंटीग्रेट कर पाएंगे। मैं तो 20-25 साल से मैं देख रहा हूँ अपनी लाइफ के अंदर, मैं जॉब में रहते हुए अपने ऑफिस में बैठ के कर लेता था, जैसे आप कायल सर है, कायल सर बहुत जरूरी नहीं है कि आपको प्रेक्षा ध्यान हॉल में बैठ करके और लेट करके ही करना है। कायल सर आप मेट्रो में बैठ करके भी कर सकते हैं, कायल सर आप फ्लाइट में भी कर सकते हैं, कायल सर आप कार में कर सकते हैं। अभी मैं गुड़गांव जा करके वापस आया, रक्षा करवाना था तो मैं दौड़ करके वापस आया, तो अब कार में बैठे बैठे ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, मैंने कायल सर कर लिया। तो जरूरी नहीं है कि आप इंतजार करेंगे कि सुबह 6 बजे में, तो 6 बजे से 7 बजे तक आसन लगा करके करना है।
यू हैव टू जस्ट क्यूर आवरसेल्फ्स, यू हैव टू जस्ट ट्रेन आवरसेल्फ्स. और जब वो ट्रेनिंग होनी शुरू हो जाएगी, जैसे ब्रीदिंग के बारे में हमने उसमें बात की कि जैसे ही आपको अलर्टनेस आई कि मेरा ब्रेथ कैसे चल रहा है, उसको आपने ठीक करना शुरू किया, तो वो एक आपका लाइफस्टाइल पैटर्न बन जाता है. एक अंतिम बात कहकर के डॉक्टर साहब को धन्यवाद देकर के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा. इस पूरी विद्या का जो वरदान हमें मिला वो आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी से था. आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी को 50s के अंदर आचार्य तुलसी जो उनके गुरु थे, उन्होंने एक बात कही कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भगवान महावीर ने 12.5 साल साधना की और वो न सोए, न उपदेश दिया, न उपदेश दिया, न किसी से चर्चाएं की, वो केवल ध्यान कर रहे थे. वो जैनों की ध्यान पद्धति कहाँ है? आचार्य महाप्रज्ञा जी ने जो उस वक्त मुनि नथुन जी हुआ करते थे 20 साल उसके ऊपर रिसर्च किया और वो रिसर्च करके जो उन्होंने हमारे सामने पेश किया वो प्रेक्षा ध्यान के रूप में हमारे सामने आया, जो स्पिरिचुअलिटी के नाम से शुरू हुआ. और आज चूंकि हमें फिजिकली ज्यादा चैलेंज लग रहा है तो हम फिजिकल के नाम पर उसको उपयोग कर रहे हैं, परंतु डॉक्टर साहब ने फिर कहा कि मैं उस रेशियो को चेंज कर रहा हूँ. वेस्ट में कहते हैं 25% फूड, 25% लाइफस्टाइल और 25% स्मोकिंग और 25% ध्यान. वो कह रहे हैं नहीं, मैं तो 80% जो है तनाव को दे रहा हूँ और तनाव के लिए मेडिसिन नहीं है, उसके लिए हमें कहीं यहाँ भी कर जाना होगा. तो इस प्रयोग को हम आचार्य वहां पर किसी से पूछा कि आप ध्यान कब करते हैं, आप तो आचार्य हैं, वो इतना सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक व्यस्त रहते हैं, तो आप कब मेडिटेट करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं कब ध्यान नहीं करता, मैं 24 घंटे ध्यान में हूँ, मैं इवन व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू आई एम मेडिटेटिंग. तो ही हैड रीच्ड द स्टेज वेयर ऑल द टाइम ही वाज अलर्ट. उनको सारे जीवन में एक बार उन्होंने कहा कि आप मुझे बताइए पूरे जीवन में मुझे एक बार भी आवेश आया हो, उनको किसी ने कभी आवेश नहीं दिखा, नहीं को इतने बड़े आचार्य, इतने काम, इतने व्यस्त. डॉक्टर साहब का तो खैर उनके साथ उनका बहुत डॉक्टर साहब के ऊपर बड़ा आशीर्वाद था, डॉक्टर साहब बहुत रेगुलरली आपके दर्शन करने जाया करते थे. तो ये संभव है, हम इसको अपनाए, इसका अधिक से अधिक लाभ लें. आई अगेन थैंक यू डॉक्टर साहब वेरी मच, आपके आने से सब में एकदम से बड़ा जोश आया था. थैंक यू.